बाबा विश्वनाथ को अन्नधन की भिक्षा देने वाली मानपूर्णा अपने भक्तों पर 5 दिन कृपा बरसाएंगी। 10 नवंबर धनतेरस पर अपने निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे और 5 दिनों तक श्रद्धालु स्वर्णमयी अन्नपूर्णा माँ भूमि देवी लक्ष्मी और रजत महादेव के दर्शन कर सकेंगे। मंगलवार को अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी ने बांसफाटक स्थित काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र के सभागार में प्रेसवार्ता का आयोजन किया। उन्होंने इसके बारे में समस्त जानकारी दी। महंत शंकरपुरी ने बताया कि धनतेरस के शुभ योग से देश में समृद्धि रहेगी और कोष भरा रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के दोपहर में माता का पूजन व आरती के बाद खजाने की पूजा की जाएगी। इसके बाद आम भक्तों के लिए 1 बजे माता का पट खोल दिया जाएगा। मंदिर के महंत शंकरपुरी के अनुसार धनतेरस के दिन माँ का अनमोल खजाना खोला जाता है। इसका महत्व मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं से है। माना जाता है कि एक बार काशी में अकाल पड़ा था, तब भगवान शिव ने लोगों का पेट भरने के लिए माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। माँ ने भिक्षा के साथ भगवान शिव को यह वचन दिया कि काशी में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। काशी में आने वाले हर किसी को अन्न माँ के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। काशी में अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है, जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है, हजारों साल पुरानी परंपरा है ये, उसका हम निर्वाह करते चले आ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ स्वयं यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं, वही परंपरा को हम निर्वाह कर रहे हैं। इस बार मंदिर 4.5 दिन खुलेगा। 10 तारीख को दोपहर में 1 बजे करीब मंदिर खोला जाएगा। पहले माता अन्नपूर्णा की पूजा होगी, फिर खजाने की पूजा होगी, फिर आम भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। जब कपाट खोले जाएंगे तो लोग दशाश्वमेध से बाहर जाएंगे, तो पहले लोग गुदौलिया से बांस फाटक कोतवालपुरा होते हुए लोग 1 नंबर गेट से अन्नपूर्णा मंदिर के प्रथम तल पे आएंगे। वहाँ से खजाना प्राप्त करेंगे, लाभा प्राप्त करेंगे, माता अन्नपूर्णा का दर्शन करेंगे और राम मंदिर होते हुए दशाश्वमेध की तरफ जाएंगे या चितरंजन पार्क की तरफ जाएंगे। 2 से 3 गलियाँ हैं, लोग जिधर से जाना चाहें उधर से जाएंगे। हमारे वॉलेंटियर रहेंगे, लगभग 150 वॉलेंटियर हैं, शासन प्रशासन के लोग रहेंगे। ऐसी सुनने में सूचना है कि 70 के करीब दरोगाएँ रहेंगे, इंस्पेक्टर लोग रहेंगे, सब इंस्पेक्टर रहेंगे और भी बड़े अधिकारी रहेंगे जिनकी निगाहें रहेंगी और वो सहयोग करेंगे अन्नपूर्णा मंदिर के इस त्यौहार में, महोत्सव में। हमको क्षेत्रीय लोगों का भी सहयोग मिलता रहेगा, क्षेत्र के लोग भी सहयोग करेंगे। सब लोग का त्यौहार है, सब लोग मिलजुल के इस त्यौहार को करेंगे। इस बार 4.5 दिन मंदिर खुला रहेगा। उनके लिए देखिए, लाइन तो भक्तों के लिए लगती ही है। इस बार मंदिर 1 बजे खुल रहा है तो लगभग लाइन सुबह से लगेगी और उनके लिए अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से जल की व्यवस्था रहेगी। 2 मेडिकल कैंप लगे हैं, 24 कैमरा लगे हैं, उसमें हमारा सहयोग होता रहेगा। क्षेत्रीय लोगों का सहयोग मिलता है, शासन प्रशासन सहयोग करेगा। जो अन्नपूर्णा मंदिर आएगा उनको प्रसाद मिलेगा, आशीर्वाद लेते अपने गंतव्य के लोग जाएंगे।